आप हो हाफिज़े कुरान? हाँ। आप भाइयों के पास रह रही हो? पहले दारुल अमान रह रही थी? नहीं हाँ। मेरे भाई ने लैन दा कि बंदा हादसा बाद मैं सुबह घर अपने वापस चली जाने। कितना अरसा हो गया शादी को? 5 साल। उन्हें और शादी कर ली, मैंने तलाक दे दी। 6 बच्चे ने माशाल्लाह 5। एको बंदे तो दूजा ब्याह तो नहीं किया? नहीं हुन करना है। 6 बच्चे ने तेरे को लिख भी नहीं? 6 दे 6 कितने यार? उन्हें तलाक दे दी, पापा अपने के पास में। 6 जिंदा है? हाँ। ते एक गवाच? हाँ बस। 7 हो गए, एक फौत हो गया। 2.5 साल दा सी, 2 साल दा? दूध पींदा ही यार। ये इधर पक्के इधर डेरे लगे हुए इनके। इन्होंने कोई नहीं जाना हाफिज़ाबाद की, बेशक जरूर होगी लेकिन इसने जाना कोई नहीं है वापस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त वॉशरूम के बाहर एक खातून ठहरी हुई आती भाई, उससे बात कर रही है। कौन है, कहाँ है, क्या कर रही है? हाथ में उसने यहाँ पर लाहौरी ज़ुबान में उसको छोला बोलते हैं लेकिन उसको तोड़ा भी कहते हैं। थोड़ा उठाया हुआ, उसमें क्या है, बच्चे हैं, क्या है, क्या मामला है, सारा पूछते चलिए मेरे साथ। तुम वहाँ पे रह रही थी, दारुल अमान रह रही थी? नहीं दारुल अमान नहीं, अपने भाइयों को रह रही हूँ माशाल्लाह। अब भाइयों के पास रह रही हूँ? पहले दारुल अमान रह रही थी? नहीं हाँ। मेरे भाई ने लैन दा कि दा। अच्छा, बंदा कितने है? बंदा हादसा बाद मैं सुबह घर अपने वापस चली जाने। सुबह भी मेरी भैन में वापस चली जाने, असि एडे बगैरत भी नहीं है। हमने कुछ कहा है? तुम तो दुखी लग रही थी इसलिए। ये बात नहीं मेरी बहन, तुम्हारी सोच तो बाद लोग इज्जत करते हैं, कभी लोगों में बदतमीजी नहीं की। आप हो हाफिज़े कुरान? हाँ। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया शादी को? 5 साल। उन्हें और शादी कर ली बंदे ने? सुबह मैं अपने भाइयों के पास चली जाना। अच्छा, मैं कभी मोहब्बत की शादी थी? जी मोहब्बत की शादी? नहीं, वो बना दी सी, वो बड़ सन यार। नहीं माशाल्लाह 6 बच्चे ने माशाल्लाह 5। एक बंदे तो दूजा ब्याह ते नहीं? नहीं हुन करना है, करन लगियां हुन घर जाके। भाइयों ने खुद ही जाने भाइयों के पास? भाइयों ने खुद करना है या तुमने करना है? भाइयों मेरे आने, सुबह मैं अपने घर चली जाने वापस। जेड़ा तू क्या है कि एक बच्चा मेरा दारुल अमान वालों ने मारा था? नहीं फिर मेरे भाइयों ने किधों दा लैन दे? नहीं वो तो बताओ ना कि दारुल अमान वालों ने किस तरह मारा था? यार जो मैं गवाची सा ना उदों ना मारा था, हुन नहीं। किस तरह मारा था? मैं तो गवाची सी। फिर मेरे भाइयों ने किधों दा लैन दे? तलाक दे दी, पापा अपने के पास में। 6 बच्चे 6 जिंदा है? हाँ। ते एक गवाच? हाँ बस। 7 हो गए, एक फौत हो गया। 2.5 साल दा सी, 2 साल दा? दूध पींदा ही यार। दूध पींदा हुण मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे ने मां दी दुआ नाल, मां पियो नहीं है। अल्लाह तुहाडी सोच तो वध इज्जत करदे ने, लोकां कदी मेरे नाल जुलम नहीं कीता। जित्थे तू इत्थे दरबार एरिया च कदों दी रह रही है? ऐ नहीं यार, सुबह मैं अपने घर वापस चली जाने। वॉशरूम गए सी, उन्होंने आन नहीं दिता वॉशरूम? आंदे ने 20 रुपये लगने ने। मैं कहा 20 भी ले लो, उन्हें नहीं जान दिता। नहीं जान दिता? नहीं। तू कहना सी ना कि मैं डकैत हां, मैं चोर हां। मैं कह मैं चोर नहीं आया, कंबल है बस यार। हां कंबल उत्ते लैन वाला, ये देखो दोनों कंबल ने मेरी जान। आ वे मैं चोर है ही नहीं, कभी मैं चोरी कीती नहीं जिंदगी च। आ वे और कुछ चीज है ही नहीं। इस तरह है ना बिछा के सोने वाला? हां हो, उसने समझा चोर है। हां हो, अब सुबह चली जाने बहन भाई के पास। हां हो। कौन से शहर? हासाबाद। हासाबाद जी। और किराया है उधर? हां हो। आहो मेरी भैन, सुबह मैं अपने घर चली जाने वापस। ब्याह कदों करने? इस महीने या अगले महीने? ऐ महीने मेरे भाइयों ने करना। इस महीने करना जी। बच्चे कदे कोल ने आंदे? फिर बंदे ले लेने ते फिर याद नहीं आंदी, मिलदी नहीं हुन? याद ते आंदे ने, मैं केस करके फिर ले लेने ने बाद चो। अच्छा जी। उम्र किन्नी है तेरी? उम्र भाई मैं अपने भाइयों तो सारे छोटी हूं। अच्छा, किन्नी को होएगी उम्र तेरी? 8 साल तो भी थोड़ी होनी है। 60 साल? हम्म, 60 साल।
60 साल होगी तुम्हारी उम्र? 60 साल शादी करूंगी। 60 साल की उम्र में शादी करूंगी। चलो कोई पैगाम देना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो बच्चों के हवाले से, बच्चों को कि मैं बच्चों को लेना चाह रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस? नहीं मेरी बहन, बस मेहरबानी, अल्लाह तुम तंदुरुस्ती दे। मैंने अल्लाह तुम हाथ जिक्र आए बस जी। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई 60 साल की औरत है, उसने कहा जी सुबह मैंने घर चले जाना है, मेरे भाइयों ने दूसरी शादी करनी है। असल में ना ये जो मामला इनका है ना, ये इधर पक्के इधर डेरे लगे हुए इनके। अच्छा। इन्होंने कोई नहीं जाना हाफजाबाद की, बेशक जरूर होगी लेकिन इसने जाना कोई नहीं है वापस, इधर ही आपको मिले कल परसों इधर ही होगी। जी आप मेरी शादी करो, मैं इसके पास एक साल में लाल पैदा करके दिखाऊं। इसकी जो जेब में ना 20 रुपए नहीं है, इसने वॉशरूम जाना था तो 20 रुपए नहीं थे इसकी जेब में, पैसे नहीं थे वॉशरूम, पैसे नहीं थे, तो मैंने इसे बोला कि पैसे मेरे से ले लें आप जाएं। लेकिन वो फिर बातें उल्टी सीधी, मेरे बच्चे को दारुल मानवा ने मार दिया है, दूध पीते बच्चे को, तो उसके बाद एक बच्चा, मैं अभी जो दादा दरबार आई हूँ ठीक है, वो भी जो है ना 7 साल का बेटा मेरा था वो भी गुम गया हुआ है, यहाँ किसी ने अगवा कर लिया हुआ है। तो अल्लाह पाक के दुआ के अगर तो ये सच बोल रही है तो इंशाल्लाह पाक इसकी मदद करें। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ये अगर सच बोल रही है तो हम इसकी ज़रूर जहाँ तक मुमकिन हो सका मदद करेंगे। लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि 60 साल इसकी उम्र है और वो कह रही है कि मैं वापस घर जा रही हूँ भाइयों के पास और मेरी भाइयों ने शादी करनी है और शादी भी करनी है और इंशाल्लाह मैं अगले साल लाल भी पैदा करूंगी। 60 साल की उम्र में 6 बच्चे हयात हैं, एक बच्चा गुम हो गया, अगवा हो गया, एक बच्चा दारुल अमान वालों ने दूध पीते बच्चे को मार दिया, तशद्दुद करके मार दिया। बाकी अहवाल आपने सुना है, आतिफ भाई ने इसके बारे में आपको रिपोर्ट भी दी है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फी अमानिल्लाह।